हेलो स्टूडेंट, कैलकुलस बाबा यूट्यूब चैनल में सभी का वेलकम है। तो आज हम केसी सिन्हा के बुक से चैप्टर नंबर 7 11 क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का जो लेसन का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। तो हम यहां पर देखिए सब कुछ लिखे हुए हैं टाइप 5 और क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन अगर सॉल्व हो गया तो 10 के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं 2 3 4 5 वो सब सॉल्व हो जाएंगे आपसे। बस एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, जैसे यहां पर समय बचाने के लिए मैंने अभी सॉल्व किया था इसको, समय बचाने के लिए कि वीडियो बनाने में समय नहीं लगेगा, मैं ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहता हूं, ज्यादा लंबा टाइम आपका नहीं लेना चाहता हूं। शॉर्ट में देखिए, एकदम बिल्कुल कम समय में आप वीडियो को देख लीजिए। टेन थीटा, यहां टेन टू थीटा का फॉर्मूला सबको पता है कि 2 tan θ / 1 ये यहां है, ये चीजें यहां है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला फिर से लगाया हूं, 2 tan θ / 1 - tan²θ। तो क्या आपने देखा कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, RHS में जो है वो चीज है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से बट्टा का जोड़ कर रहा हूं, तो ये जाके गुणा होगा tan थीटा, इससे गुणा होगा tan q θ प्लस 2 tan θ अपॉन जो नीचे है वो नीचे है। नेक्स्ट इससे गुणा करेगा तो 2√3 tan²θ नीचे, डिनोमिनेटर में जो है वो यहां है, ठीक है, RHS में जो है वो यहां है। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट अब देखिए दोनों का एलसीएम कितना होगा, ये होगा ऊपर का चीज देखिएगा tan थीटा, ये चीज यहां, फिर ये चीज यहां, फिर ये चीज यहां। क्लियर? नेक्स्ट 2 tan θ 1θ, तो 2 tan θ 1θ 3 tan θ, ये चीजें यहां है, ये चीजें यहां है, कोई चीज इधर डिवाइड कर रहा है तो RHS में जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी √3 1√3 माने हमने इससे गुणा कराया है। यहां पर देख लीजिए गुणा के फॉर्म में है, इंटू के फॉर्म में है, कोई चीज इधर डिवाइड तो उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, ऊपर में जितना भी नोमिनेटर में जो चीजें हैं वो सारी चीजें यहां है। tan थीटा 10 - tan³θ, 2 tan θ प्लस में 2√3 tan²θ, कोई चीज है ना भाग इधर गुणा कर गया। यहां देखिए चलिए इससे इंटू यहां है, इससे इंटू यहां है, विथ ये प्लस में है तो इधर आ गया तो माइनस, तो ये चीजें यहां है, हो गया। देखिए √3 tan²θ, 2√3 tan²θ, तो 2 × 1 = 3 हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है √3 1 - 3 tan²θ, ये चीजें उसी तरह आ रही है, कोई चीज यहां गुणा कर रहा है इधर आके क्या करेगा भाग कर गया। तो देखिए ये एक फॉर्मूला हो गया, 3 tan θ - tan³θ / 1 - 3 tan²θ, एक फॉर्मूला हो गया tan³θ। और √3 को tan के फॉर्म में लिखेंगे तो होती है tan π/3 की वैल्यू √3 के बदले में लिख सकता हूं tan π/3। अब आपको पता है कि tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो क्या होता है फॉर्मूला कि थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n π + α, यानी अल्फा का मान क्या है, π/3 है। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहां से 3 बन जा 3, यानी बट्टा का जोड़ करेंगे तो 3 बन जा 3 3n π + π, ठीक है, 3 इधर गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है पाई, तो पाई अपॉन 9 और यहां थीटा का वैल्यू हो गया 3n + 1 × π/9, जहां n क्या है इंटीजर नंबर है। तो आप इस पर क्वेश्चन बनाएंगे 10 का 2 10 का 3 और 10 का 4, जो क्वेश्चन जितना दे रखा है आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कल फिर मैं आपको वीडियो देता हूं इसी लेसन से, और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मैं देता हूं। तो तब तक आप 10 का 2 3 4 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और भी आगे ट्राई कीजिए। तो मैं कल फिर से आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा इस लेसन का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।